हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? आज की डेट है 11th जनवरी और आज है सैटरडे। तो कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। एक्चुअल में कल मुझे आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, और मतलब दो दो रेसिपी कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें ना पूरा का पूरा मुझे टाइम हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि जब रेसिपी हम कोई भी बनाते हैं ना तो पूरी किचन मैसी हो जाती है और पूरा ध्यान ना रेसिपी पर होता है ना। तो फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं कोई ब्लॉगिंग करूँ, और सर्दी भी हो रही है। तो कल मैं ये अपनी थ्रेडिंग करवा के आई हूँ और फेस आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना। तो मैं बना रही हूँ चाय। तो किसी ने मुझे बोला था कि दीदी आप कभी इस तरह से चाय बनाना, मतलब दूध को गर्म करके दूध में ही चाय पत्ती वगैरह सब कुछ डाल देना। तो आज मैं उसी तरह से चाय बना रही हूँ। दूध को मैंने अभी गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि फ्रिज में से निकाला था, और आज न्यू स्टाइल में चाय बना रही हूँ। और आज मेरा आज नहीं मेरा मतलब 2 दिन से ना मूड बहुत खराब है। इतना परेशान हो गई हूँ मैं काम कर करके, इसलिए मैंने कल ब्लॉगिंग नहीं की थी। दीदी मेरे को बोल के गई थी कि मैं 1 दिन नहीं आऊंगी, मतलब ये हाउस हेल्पर के नखरे ना इतने होते हैं कि पूछो मत। 1 दिन का बोल के गई थी कि मैं गांव जा रही हूँ दीदी, 1 दिन नहीं आऊंगी। तो वो 1 दिन नहीं आई, दूसरे दिन नहीं आई, और आज है तीसरा दिन, आज भी वो नहीं आई, कल वो आएंगी। तो मतलब खाटू गई थी ना मैं, तो दो छुट्टी उनको वो मिल गई, ठीक है, तो दो छुट्टी वो मिल गई, 3 छुट्टी ये हो गई उनकी कंटिन्यू, मतलब 5 छुट्टी हो गई है। उन्होंने मुझसे ये बात की थी कि दीदी महीने में मैं 1 छुट्टी लूंगी, क्योंकि उनको अपने गांव जाना होता है, कोई उनका काम है जो कि हर महीने उन्हें जाना रहेगा। मैंने बोला ठीक है, 1 छुट्टी आप ले लिया करो और 1 छुट्टी तो मैं दूंगी दूंगी, क्योंकि हम लोग खाटू जाते हैं तो वो 1 छुट्टी तो होती है। तो जब मैं दूसरे दिन वापस आ गई थी, मैंने उनको बहुत बुलाया लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आई वो, क्या मतलब। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं दोपहर तक आ जाऊंगी, आप आ जाना इवनिंग में, कम से कम झाड़ू पोछा मत करना, बर्तन तो क्लीन कर ही देना। तो वो नहीं आई, तो 2 छुट्टी वो हो गई, 3 छुट्टी ये, और अभी तो बना रही हूँ मैं चाय। और मेरे पास एक कमेंट आया था, ये सारा सामान देख करके, ये देखिए ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है ना, और थोड़ा सा सामान यहाँ भी रखा हुआ है। तो मुझे भी पसंद नहीं है कि मैं इस तरह से अपने किचन को मैसी रखूं। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रैक बने हुए ना, ये एक रैक, दो और तीन है ऊपर साइड में, तो ये दो में तो मैंने सामान रख रखा है, ये वाला अभी पूरा खाली है। ये जो नीचे सामान रखा है ना, तो ये वाला सारा सामान जाएगा इसके अंदर, लेकिन इसको मैं नहीं खोल सकती हूँ, आपको खोल के भी नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि उसका जो अंदर का एक लॉक होता है ना रैक का, वो लॉक नहीं है उसमें। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मैं उसको नहीं खोल सकती हूँ। मुझे भैया ने मना कर दिया कि मैडम आप ये वाला रैक मत खोलिएगा, तो इसलिए ये सारा सामान यहाँ पे रख रखा है मैंने। अब मैं इसको कहाँ रखूँ आप बताइए, बाहर तो रख नहीं सकती हूँ, नीचे मैं रख नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैब पर रखा हुआ है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मॉडुलर किचन है और फिर भी मतलब स्लैब जो है वो भर के रखा है। जी हाँ, भर के रखा है, सामान है तो रखेगा ही वो। तो जब वो ठीक हो जाएगा मैं सारा सामान अच्छे से उसमें लगा दूंगी, उसके बाद ही मतलब, इसीलिए मैं आपको होम टूर और किचन टूर अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर सारा सामान जो है जगह पर नहीं है, और मुझे भी अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने घर को सेट करूं या ये करूं या वो करूं। अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, चाय तो भूल ही गई, दूध गर्म हो गया है और बस। अच्छा, इस तरह से जब चाय बनाते हैं ना, तो अदरक को बिल्कुल बॉईल करते टाइम पर ही डालना चाहिए। अगर आप पहले चाय की पत्ती के साथ में और शक्कर के साथ में आप वो डाल देंगे ना अदरक, तो चाय फटने का डर रहता है, इसलिए चाय पूरी तरह से बॉईल हो जाए उसके बाद अदरक डालें, है ना, ऐसा सही है ना, ऐसा मैंने देखा है। पहले मेरी मम्मी बनाती थी इस तरह से चाय, वो डायरेक्ट दूध रखती थी, उसी में चाय पत्ती, उसी में शक्कर और उसी में ही है ना अदरक वगैरह सब डाल के इस तरह से चाय बनाती थी। लेकिन मैं हमेशा पानी को बॉईल करके बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो मतलब चाय का जो टेस्ट होता है, चाय पत्ती का जो अदरक का फ्लेवर होता है ना, वो पानी में अच्छी तरह से आ जाता है, उसके बाद चाय का जो मजा है ना, बहुत अच्छी चाय बनती है। लेकिन सर्दियों में यार अदरक वाली चाय पीने का बहुत अच्छा, मेरा मतलब मन करता है सुबह शाम कि टाइम हो गया चलो चाय पीते हैं। आज तो फिर भी लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ थोड़ा सा मार्केट चली गई थी, और चलिए फिर चाय बनाते हैं फटाफट, लेट हो रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे सारी चॉपिंग करके रखी है, आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। यहाँ पे मैंने आलू मटर को अच्छे से काट के धो के रखा है, इसमें रखी है अमरूद की चटनी थोड़ी सी बची हुई है, मेथी रखी है, उसके मैं पराठे बनाऊंगी कल की बची हुई है मेथी। तो यहाँ पे धनिया रखा हुआ है, टमाटर, हरी मिर्ची, और ये मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मेथी रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ऐसे रख के जाऊंगी ना तो खराब हो जाएगी मेथी, मैं सोच रही हूँ कि मेथी के पराठे बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा जो लहसुन होता है ना उसको मैंने काट के रखा है बारीक बारीक। तो टमाटर और हरी मिर्च की बनाऊंगी सब्जी, मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ सब्जी में।
और पराठे में डालूंगी मैं प्याज और लहसुन। तो ये मैंने चॉपिंग करके रख दिया है, तो चलिए फटाफट से पहले बनाते हैं। तो मैंने दूध को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और दूध में बॉयल आने लग गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाय पत्ती और चीनी, और उसके बाद जब इसमें एक अच्छा से बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। मैं ना अभी मार्केट गई थी और मुझे ये स्वेटर दिखाई दे गया, तो मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए। अच्छा लग रहा था मुझे, और तो ये मैंने लिया है, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये मुझे मिला है 500 रुपीज़ का, 550 उन्होंने बताया था, बट मैं 500 में लेके आई हूँ उसे। कैसा लग रहा है आपको बताना? शायद इसकी तो मुझे अपने लिए ना फिटिंग करानी पड़ेगी सर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लूज रहेगा ये मुझे। मैं ना मतलब कुछ भी लेती हूँ, चाहे वो कुर्ती हो, स्वेटर हो, या फिर कुछ भी हो, मुझे फिटिंग तो करानी पड़ती है, बिना फिटिंग के तो मुझे आते ही नहीं है। तो ये बस यही लेके आई हूँ मैं। हाथ में भी बहुत तेज लग गई है पता है, मतलब दोनों तीनों टाइम के बर्तन क्लीन कर रही हूँ, और सुबह के झाड़ू पोछे में इतना टाइम हो जाता है मुझे, और सर्दियों का टाइम है बहुत जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो दीदी पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जब वो आएंगे ना तब मैं उनसे अच्छे से बात करूंगी। और गाइस आप लोग बोल रहे थे ना कि सिलेंडर को, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सिलेंडर को विंडो के पीछे आप रख सकते हो, बालकनी होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे बालकनी नहीं है, ये सिर्फ विंडो है। बालकनी सिर्फ वहीं तक है, उस वाले रूम तक, यहाँ पे बालकनी नहीं आई है। ठीक है, वाले बॉक्स में रखना है, यहाँ पे नहीं रखेगा। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हॉल नहीं है पाइप के लिए, हॉल हो जाएगा उसके बाद ही सिलेंडर को अंदर रख पाएंगे, नहीं तो ये कहाँ से निकलेगा पाइप, आप ही बताइए। इसको मैं पीछे भी नहीं रख सकती हूँ, इसको मैं अंदर भी नहीं रख सकती हूँ, इसलिए यहाँ पे रखा है। मुझे भी प्रॉब्लम होती है काम करने में, बीच बीच में ये सिलेंडर मिल जाता है। तो ये चाय जो है बच गई है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, हम लोग जाने पीने के लिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अभी मैं सब्जी जो है छोंकने वाली हूँ, सब्जी बना रही हूँ, मेथी के पराठे, आलू मटर की सब्जी, मेथी के पराठे, ये डिनर में रहेगा। सो गाइस मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो मैंने ऑयल डाला था, उसमें जीरा डाला था, हिंग जीरा, उसके बाद हरी मिर्च, टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, थोड़े से धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और जो लाल मिर्च होती है, जो रेगुलर मसाले होते हैं, वही सब पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे आलू मटर की सब्जी कभी कभी बिना प्याज लहसुन के बनाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हरी वाली मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी है, तो अगर मैं रेगुलर मिर्च डालूँगी ना तो ये तीखी हो जाती, इसलिए मैंने सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। और बस मसाले को अच्छा सा मैंने भून लूँगी, और उसके बाद ऐड कर देंगे जो आलू मटर मैंने काट के रखे हैं, वो डाल दूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी, और बस इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। जब सब्जी बन जाएगी उसके बाद इसमें पड़ेगा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। आलू मटर की सब्जी ना ज़्यादा रनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। तो बस यहाँ पर पानी डाल दिया है, और मैं बिसल लगा के इसे रख दूँगी। तो 2 सीटी लेने के बाद ये सब्जी जो है बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिया है गेहूँ का आटा, उसमें डाल दिया प्याज लहसुन और हरी मिर्च और हरा धनिया, ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, और उसके बाद थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मेथी के पराठे बना रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, क्योंकि अजवाइन बहुत अच्छी होती है खाने में, खाना को जल्दी से डाइजेस्ट भी करती है, और ये सब सारा खाना थोड़ा सा हैवी भी होता है। और हल्का सा इसमें 1 चम्मच मैं ऑयल डालूंगी, जिससे क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे पराठे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है, और इसके बाद इसमें 1 चम्मच पड़ेगा ऑयल, कुकिंग ऑयल, और आप घी भी डाल सकते हो। तो बस ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसका एक सख्त डो लगा के तैयार कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर अगर हम मेथी के आटे को रख देते हैं ना तो ये बहुत जल्दी मतलब गीला होने लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं सख्ती लगाती हूँ।
तो ये देखिए गाइस, आलू मटर की सब्जी बनके तैयार है। कितना सुंदर कलर आया है ना, और इसकी आप थिकनेस देख सकते हो। इस तरह की सब्जी ना पराठे के साथ में खाने में बहुत अच्छा लगता है, पूड़ी पराठे के साथ में। तो बस सब्जी रेडी है, अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे। तो तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और पराठे की पूरी तैयारी कर दी है। यहाँ पे थाली लगा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए। तो आलू मटर की सब्जी है और ये अमरूद की चटनी रखी हुई है, तो इसको मैंने रख दिया है थाली में। बहुत ही टेस्टी बनी थी अमरूद की चटनी। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा मेरे न्यू चैनल पर। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पराठे। सो गाइस, अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और आज की डेट है 12th जनवरी। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आई है बालकनी में, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर धूप में ही बैठ लिया जाए, क्योंकि काम करते रहते हैं अंदर धूप कब चली जाती है पता नहीं चलता। थोड़ी देर धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़े से अपने मैंने बाल ओपन किए हैं जिससे इनको भी धूप लग जाए, और बैठ गई हूँ यहाँ पे धूप में। तो ये बथुआ रखा हुआ था तो इसको मुझे क्लीन करना है, साफ़ करना है, तो इसे मैं तोड़ के रखूँगी। बहुत टाइम लगता है इस तरह की सब्जियों को साफ़ करने में, तो मैंने सोचा फालतू बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम ही कर लिया जाए। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ बथुआ तोड़ने के लिए। इसकी बनाऊँगी आज करारी करारी पूरियाँ, और अभी मुझे मशीन भी लगानी है क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं। और मैं अंदर काम करती रहती हूँ, धूप आती है चली जाती है, बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। आज मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले धूप में बैठ गई हूँ, क्योंकि धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैं बथुआ साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने फ़ोन किया था दीदी को, तो मुझे पता चल गया था कि दीदी आ गई हैं दिल्ली। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो अब मेरा काम थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए मैं बाहर धूप में थोड़ा सा बैठ गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम था। दीदी ने बोला मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी लेकिन आऊँगी, तो फिर मैंने काम जो है नहीं किया था। और बस यहाँ पे दीदी मैंने आज आपको पहली बार वीडियो में दिखाई हैं, ये बर्तन क्लीन कर रही हैं अभी। और सबसे पहले बर्तन ही क्लीन कर देती हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करती हैं घर का। तो बस यहाँ पे दीदी जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और मैं भी अपनी जो डस्टिंग वगैरह, आज हम दोनों ने ही ना बहुत सारे काम किए हैं सुबह से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भगवान जी की फ़ोटो वगैरह, फ्रेम वगैरह हमारी सब इसी तरह से रखी हुई थी, तो आज प्रॉपर जगह पर ये लगा रहे हैं। और थोड़ा सा जो
गेट वगैरह होते हैं, विंडो वगैरह होती हैं, वो सब मतलब थोड़ा क्लीन भी करना था क्योंकि डस्ट हो रही थी बहुत दिन से, अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो आज ये आप देख सकते हैं हॉल वाला भी मैंने जो गद्दा है अपना वो उठा दिया है क्योंकि यहाँ भी मुझे सफाई करानी थी। और दीदी जा रही हैं, सारा काम हो चुका है, तो पहली बार वो आप सबको हेलो बोल रही हैं। मैंने ही उनको बोला था कि आप सबको हेलो बोल दीजिए। तो बस दीदी चली गई हैं और अब मैं लंच में बना रही हूँ, थोड़ा सा लेट हूँ आज, तो लंच में बना रही हूँ मैं बथुआ की करारी करारी पूड़ियाँ और उसके साथ में मैंने बनाई है टमाटर की लौंजी। तो टमाटर की लौंजी मैंने पहले ही बना के रख दी है और बस यहाँ पे मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, मैंने अच्छे से उसे साफ़ करके कम से कम 3 से 4 बार धोया है। यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था उसके बाद मैंने बथुआ डाल दिया है। बस 2 मिनट के लिए इसे हमें गर्म पानी में रहने देना, उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसे 2 मिनट के लिए और रहने दूँगी प्लेट से ढक करके। हरी सब्जियों को कभी भी ज़्यादा नहीं कुक करना चाहिए क्योंकि उनका जो ग्रीनरी होती है ना वो चली जाती है, कलर अच्छा नहीं आता है पराठे पूड़ी का। तो बथुआ अच्छे से ठंडा हो गया है मैंने, तो मैंने गर्म पानी से निकालने के बाद उसमें ठंडा पानी डाल दिया था जिससे जल्दी से कूल हो गया था बथुआ। और उसके बाद मैंने ग्राइंड किया है 3 से 4 लहसुन की कली और 1 हरी मिर्च डालने के बाद उसे ग्राइंड करके रख दिया। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे जो मैंने बथुआ को ग्राइंड करके रखा है, पीस के रखा है, वो मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि बथुए की पूड़ी बना रही हूँ। और लहसुन ज़रूर डालेगा क्योंकि लहसुन डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक बथुए का थोड़ा सा जो स्मेल और जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है बथुआ आटे में और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो मैंने डो लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए जिससे जो आटा होता है ना वो अच्छे से सेट हो जाता है और पूड़ियाँ पराठे अच्छे से बनते हैं। तो मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में ऑयल डाला है रिफाइंड ऑयल और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब तक मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेती हूँ। और मैं पूड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए ना हमेशा ऑयल थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि जो बाद में बचता है ना वो ऑयल अच्छा नहीं लगता खाने में, इसलिए मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ। और बस यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन के तैयार हो रही हैं। तो पूड़ियाँ फुलाने के लिए आप हमेशा पूड़ियों को किनारे से ही बेलें, कभी भी बीच में ना बेलें और कढ़ाई में डालते टाइम पे आप उसे प्रेस करें हर जगह से जिससे आपकी पूड़ी बहुत जल्दी फूल के तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लंच बनके तैयार हो गया है, आप ब्रंच बोल सकते हैं इसको, यही ब्रेकफास्ट है और यही हमारा लंच है। तो बथुआ की गर्मा गर्म पूड़ी है, टमाटर की लौंजी है, आम का अचार है। तो ये सबसे पहले मैं हस्बैंड जी को देने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद उनको खिला दूँगी, उसके बाद फिर मैं भी अपना लंच करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ अभी चाय, अभी पी नहीं है मैंने, तो आप सब भी पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय बनाई है मैंने। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आज सुबह से इतने सारे काम किए हैं और फाइनली आज दीदी आ गई हैं और बहुत लेट आई थी क्योंकि मैंने उनको 9 बजे फ़ोन किया था, मैंने बोला कि दीदी आप आई नहीं, तो बोले दीदी जस्ट मैं अभी आई हूँ और बस
एक दो जगह का काम करके फिर आपके यहाँ आऊंगी, क्योंकि मेरे ना जस्ट सामने ही वो रहती है, यहाँ जो फ्लैटों में काम चल रहे हैं ना वहीं वो रहती है, तो मेरा बहुत पास में है, मतलब सामने ही है, मैं चाहूँ तो आवाज लगा के भी उनको बुला सकती हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि वो आ गई है, तो मैंने उनको फोन मिलाया था, तो वो आ गई थी, एक दो जगह का काम करके आई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई थी आज मेरे यहाँ पे आने में, और अच्छे से काम आज हो गया है। आप सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आज मैंने, पूरा घर जो है सेट करने में लगे हुए थे, जो सामान इधर उधर था उसको ठीक से लगाना था जगह पर, और बस यही सारे काम कर रहे थे, तो आज बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ मैं, और इतना थक जाने के बाद एक चाय की याद तो आई जाती है। तो आज हम लोगों ने लंच में खाया था बथुए की पूरी, बहुत ही यम्मी बनी थी, टमाटर की चटनी या लौंजी बोल सकते हो आप, और उसके साथ में बथुआ की पूरी थी। तो फुल रेसिपी मैं अपने नए वाले चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए नहीं की थी। और थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ अभी, बिल्कुल मतलब ऐसे घूम रही थी, नहाकर भी मैंने तो अभी मैंने कोई मॉइस्चराइजर वगैरह भी नहीं लगाया था, ऐसे ही काम में लगी हुई थी नहाने के बाद भी, तो अभी जस्ट थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे ये इतनी सारी लिपस्टिक लेकर के बैठी हूँ, पता है क्यों लेकर के बैठी हूँ? सो गाइस, आप सबके कहने पे मैं सरोजनी मार्केट से ये सारी लिपस्टिक लेके तो आई थी, लेकिन ये मुझे खास पसंद नहीं आई है, और जी हाँ ये फेक है, सच बोला था आप सभी ने, ये हुड्डा की जरूर है लेकिन ये फेक है, आप कभी भी मत लीजिएगा इनको, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी। आप में से मतलब कुछ लोगों ने बोला था नहीं दीदी अच्छी होती है, पहले तो मैं लेके नहीं आई थी आप सबके कहने पर, फिर सेकंड टाइम जो गई थी तो मैं लेके आई थी, और जब मैंने इन्हें लगाया ना, इन्हें लगाने से ही मेरे ना लिप्स फटने से लग गए थे, पता नहीं क्यों मुझे जलन टाइप में हो रही थी, तो फिर मैंने नहीं लगाई इनको, ये ऐसी रखी हुई है, सारी न्यू है, कुछ लगाई है कुछ लगाई भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं यूज करूंगी, मुझे शायद ये शूट भी नहीं कर रही है। तो बस मैं पी रही हूँ चाय, दीदी आ गई हैं आज से 3 दिन के बाद आई हैं दीदी, और बस ये ब्लॉग मैं एंड करूंगी, अभी जा रही हूँ एक नई रेसिपी आपके सबके लिए शूट करने के लिए, तो संक्रांति आने वाली है और उसके लिए मैं एक नई रेसिपी शूट करने के लिए जा रही हूँ, जो कि आपको मेरे न्यू चैनल पे देखने को मिलेगी। मेरे पास कमेंट आया था दीदी आप सारी रेसिपी नए चैनल पे शेयर करोगे तो हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पे आप मेरा लाइफ स्टाइल देखिए ना, मैं दिन भर में क्या करती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, ये सब कुछ आप मेरे ब्लॉग्स में देखेंगे, और न्यू रेसिपी जो मैं डेली आपके लिए शूट करूंगी वो आप मेरे नए चैनल पे देखेंगे स्वरांजलि की रसोई पर, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, स्वरांजलि की रसोई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन यूट्यूबर स्वरांजलि को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपना मैं लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, घूमना फिरना दिखाती हूँ, खाना पीना दिखाती हूँ, और मेरे हबी के चैनल हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, तो सारे मेरे अदर जो चैनल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, इंडियन यूट्यूबर स्वरांजलि के ही नाम से है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और कीजिए, वहां पे मैं अच्छे अच्छे लेटेस्ट फोटो वीडियो वगैरह शेयर करती रहती हूँ आपके सबके साथ में, और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हो, और आज तो मैं टिकटॉक बनाने वाली हूँ, बहुत दिन से टिकटॉक नहीं बनाया मैंने, तो आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर लीजिए, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में और बहुत सारे काम के साथ में। बहुत जल्दी आपके साथ में अपना होम टूर, किचन टूर सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय।